सिर्फ धार, ना केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार। आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लाइव धनबाद का लोकप्रिय न्यूज पोर्टल, मैं हूं सरता। चलिए खबर की ओर। बड़ी खबर धनबाद के नया बाजार से। मैं आपको बता दूं कि नया बाजार पेट्रोल पंप पे हो रही थी चोरी। क्या चीज की चोरी हो रही थी? पेट्रोल की चोरी हो रही थी। कर रहा था पेट्रोल पंप कर्मचारी, पेट्रोल लेने आए ग्राहक ने उस चोरी को पकड़ लिया। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से ये चोरी कितने दिनों से चल रही थी इसका पता नहीं। आज पकड़ने के बाद अफरा तफरी मच गई नया बाजार पेट्रोल पंप पे। मौके पर पहुंची पुलिस बैंगमोड थाना की, तत्काल पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया है। नेशनल टुडे लैब से सरताज की रिपोर्ट। कुछ घटना हुआ मोहसिन आपके साथ? मेरा नाम मोहसिन आलम है। ये नया बाजार पेट्रोल पंप में तेल लेने के लिए अभी आया हुआ था, तो मैंने कहा कि 200 का तेल डाल दीजिए, तो वो मीटर चालू करके 200 का डालने लगे। लेकिन डालने से पहले एक और स्टाफ हमसे बात करने लगा, बात करके मेरा ध्यान को मीटर से हटा दिया। ठीक है, लेकिन मेरा नजर फिर भी मीटर पे था, क्योंकि पिछले दो बार मेरे साथ इस तरह का घटना हुआ था। जब हम देखे कि ये मीटर का तेल डाल रहा है तो डायरेक्ट ये मीटर का दिखा रहा 70, डायरेक्ट 70 से शुरू हो रहा था इसका तेल, तो नोजल पकड़ के रोक दिया। उसके बाद फिर ये लोग क्या किया कि उसके बाद फिर बोला गलती हो गया भैया, आप 200 का तेल लेके चले जाइए, पैसा मत दीजिएगा। तरीका ये, हमसे 200 का तेल भी दिया, हमसे पैसा भी नहीं ले रहा और माफी भी मांग रहा कि हमसे गलती हो भी आप नहीं करेंगे। मैं क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप? अभी कार्रवाई होना चाहिए पेट्रोल पंप पे। इस तरह से आम जनता, हम लोग कहाँ से पैसा देंगे? हम लोग खुद गरीब आदमी, रोज कमाने खाने वाला आदमी है। आप अंदाज लगाइए, रोज अगर 100 रुपए का तेल एक मोटरसाइकिल वाले बदमाशी करता है तो दिन भर में 100 बार करता है, तो इतना अनाप जो पैसा हो रहा है। पेट्रोल का दाम देखिए 100 से ऊपर जा रहा है। पेट्रोल का लेके देश में ऐसी हाहाकार मचा हुआ और ऊपर से इस तरह का चोरी होगा तो आम जनता क्या करेगा? मीडिया, आप मीडिया पर वारी है, मीडिया से और प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पे एकदम सुनिश्चित कार्रवाई होना चाहिए। हर हाल में इस पे कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद।